और हट के बात कर मुनीम जी। हाँ सेठ जी, क्या बात है? वो अपना हरिद्वार पे पर्चो लिखो बोला। क्या बात है सेठ जी? एन क्षत्रियो की बात बता, एन इज्जत की बात बता, और ए की बात बता। अच्छा, और तो सुनो भाई। हाँ बता दू? हाँ बताए ने, बताया मेरे पाटे बताइए। अब भाई राजकुमार सुन जी, मुनीम जी बाड़िया पर घना बड़ा छतरी होने की जरूरत को ना, मतलब मैं बता दू तुम किसान छतरी से। बताइए कैसे इज्जत नहीं है, कैसे बेइज्जत हूँ? तू क्या हमारे सेठ जी को बार बार छतरी छतरी कह के डराता है? हाँ। परशुराम ने 21 बार छतरी से खाली कर दी थी धरती को। अच्छा समझे जी। एक उदाहरण तेरे को और देता हूँ, सुन। और दीजिए। के घर
रचा स्वंबर उस रुकमण प्यारी का दीपक के घर उस छत्तरदारी का कुंदनपुर में मान घटा उसे उस छत्तरदारी का देखे मोड़ तुड़ा शिशुपाल भगा बिल्कुल।
प्रहलाद भगत का नरसिंह का जिक्र किया। अच्छा, इन बातों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे तो साफ बता कि मेरी इज्जत क्यों नहीं है। देखिए राजकुमार जी, तूने हमारे सेठ जी को धमकाया डराया कि मैं छत्री हूँ। हाँ। इसलिए मैंने तेरे के उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की है। हाँ। कि छत्रियों की ये हालत भी हुई है पहले। इन बातों को छोड़िए, मेरी बात। और अगर तू तेरी सुनना चाहता है। जी हाँ। सेठ जी बोल दूंगे, कह दूंगे। अच्छा ले सुन ले भाई, बताइए। ऊपर न उठी जासे, ओ बेशर्मी से नाल तेरी ऊपर न उठी जासे। तन्ने पता नहीं निर्भाग आज तेरी मांग छुट्टी जासे, तेरी आप छुट्टी जैसे। तो प्याले क्यों ना राज वाला तेरी